अभी देखिए, देखिए ये तो हमने बना लिया, चीज़ें जो है ना इधर उधर पड़ी हुई हैं, सब लोग छोड़ दें जो जो कर रहे हैं काम, ज़रा पहले इधर देख लें, ये फोटोशॉप के स्किल्स बाद में देख लेंगे। इसमें हमने करना क्या है कि इसको हमने रखना कहाँ पे, जैसे अगर हम ये नेम टैग नेम बैंड बना रहे हैं, नेम बैंड मतलब ये है कि अगर जैसे कोई रेसिपी चल रही है और उस शेफ़ का नाम आपको शो करना है, ठीक है, तो ये आइडियल सिचुएशन में कहाँ होगा ये मैं इन सबको ज़रा अरेंज कर लूँ एक बार, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये सब यहाँ पे होगा। अब ये लाइंस जो हैं ये किस चीज़ के लिए हैं, सेव फ्रेम, ठीक है ना। अब आप जो सेव फ्रेम यूज़ करेंगे इसमें कौन सा वाला सेव फ्रेम होगा, ये वाला, क्यों, टीवी तो यहाँ तो नज़र आएगा मगर आप इसके मार्जिन तक नहीं बनाएंगे, आप इसके मार्जिन तक बनाएंगे, ये वाला एरिया जो है एनिमेशन के लिए अच्छा है, ताकि स्क्रीन के, जैसे ये स्क्रीन है ना प्रोजेक्टर, आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर के बिल्कुल कोने में कोई चीज़ लगी हुई तो कैसे नज़र आएगी, थोड़ा साइड पे रखेंगे तो नज़र आएगा ना, तो इसी तरह ये वाला एरिया यहाँ पे होगा, आप सही है, नीचे वाला एरिया यहाँ तक आ सकता है मगर सेफ फ्रेम यहाँ तक है तो हमको नीचे भी रख सकते हैं, मगर नीचे यहाँ पे क्यों नहीं रखेंगे, इसलिए कि वो जो न्यूज़ चल रही होती है वो सब जो होता है ना प्रॉब्लम, वो क्या होता है यहाँ से इसको छुपा लेगा, तो इस वजह से इसको हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे करके रखेंगे। अब समझ में आया कहाँ पे इसकी प्लेसमेंट आएगी, ठीक। इसके बाद इसकी नेमिंग कर लीजिए, और ये बैकग्राउंड की लेयर जो है हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, इसको आप डिलीट कर दें। टेक्स्ट देखें मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, टेक्स्ट हम कहाँ लिखेंगे, आफ्टर इफेक्ट पे लिखेंगे, वहीं पे टेक्स्ट की एनिमेशन होगी, सही। ये करने के बाद आपने इसको फाइल में गए और सेव करवाया किस में, PSD में, के पास एक ऑप्शन क्या है, देखिए ज़रा, एक ऑप्शन क्या है कि आप जिस तरह करते आए हैं पहली क्लास में हमने देखा था कि कंपोजिशन में जाते हैं, कीजिएगा नहीं, मैं इसे देख लें पहले, इरफान न्यू कंपोजिशन, और न्यू कंपोजिशन करने के बाद हम यहाँ पार्ट D1 DV लेते हैं, क्यों, TV का है, सही, ठीक है, जो प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा, और इसको हमने ओके कर दिया, ये क्या बन गई, नई कंपोजिशन बन गई, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि फाइल में जाके ओपन किया, इम्पोर्ट किया या डबल क्लिक किया, कौन सी वाली फाइल को, ये एंटाइटल वाली फाइल को, ठीक है, ओपन किया, या उसे पूछेगा कैसे आपने रखना है, आपने इसको कंपोजिशन रखा, और फिर उसके बाद इसको ड्रैग करके, ये फाइल की तरह इम्पोर्ट हो गई ना, उसको ड्रैग करके नीचे ले आए, ये तरीका सही नहीं है, ठीक है, मैंने इसलिए कहा था आप लोग अभी कीजिएगा नहीं, ये सिर्फ देख लेंगे अभी क्या कर रहा हूँ, इसलिए नहीं सही कि हमारे पास नीचे देखें कितनी लेयर आ रही हैं, एक लेयर आ रही है, क्लियर, ठीक है भाई बिलाल, ये ऐसे नहीं करेंगे, ये हमने बना ही लिया है इसको लेयर बाय लेयर, तो इसको वैसे ही लेके आएंगे ना, इतनी मेहनत क्यों की थी फिर हमने, हम ये करेंगे कि इसको नई कंपोजिशन नहीं खोलेंगे, हम डायरेक्टली इसको इम्पोर्ट कर लेंगे एज अ कंपोजिशन, फ़ोटोशॉप की फाइल है ना भाई, इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है एज अ कंपोजिशन, और इसको कर दिया ओके, ये आपकी कंपोजिशन बनी बनाई आ गई, आइकन याद रखिएगा कंपोजिशन का ऐसे ही होता है, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, नई कंपोजिशन आपको नहीं खोलना, जो आपने फ़ोटोशॉप में साइज़ रखा था फाइल में, न्यू में, फिल्म एंड वीडियो में जाके पार्ट D1 DV, वो वहाँ पे ठीक आएगा, बनाया इसीलिए था कि वहाँ पे सही सेटिंग से आ जाए, और इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये एज इट इज़ फ्रेम बना के वहाँ पे आएगा, बिल्कुल फिक्स, क्लियर। तो फोटोशॉप का मल्टीपल यूजेज है, प्रिंट के लिए अलग, टीवी के लिए अलग, और वेब के लिए डिफरेंट होगा।
समझ गए, कर लें इम्पोर्ट। ये जो लाइंस आ रही है हमारे पास, ये क्या कहलाती हैं फोटोशॉप में? कौन सी लाइन? ये ब्लू वाली लाइन जो आ रही है, ये गाइड कहलाती हैं, ठीक है ना, गाइड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो यहाँ पे टारगेट बना हुआ है इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे गाइड पे चेक लगा हुआ है, गाइड से चेक हटा दें और दोबारा क्लिक करें और यहाँ पे टाइटल और एक्शन सेव है इस पर चेक लगा दें। कोई इससे एनिमेशन में फ़ायदा नहीं होगा, मगर सिर्फ बता ये रहा हूँ कि आफ्टर पैक की जो टारगेट है गाइड से हटा दें। ठीक है, मैंने वहाँ पे नेमिंग की हुई थी, यहाँ पे भी प्रॉपर नेमिंग के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, एनिमेशन मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसमें यहाँ पे सीक्वेंस में स्टार्ट करें, मगर मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो कहाँ से, ग्रीन वाली लेयर से स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी एनिमेट होगी, पी दबाएंगे पोजीशन के लिए, कर दें पोजीशन पे की, पोजीशन ओपन कर लें ग्रीन की। नए तरीके से देखते हैं कि हमारे पास कितने लिए, लोअर साइड कितनी देर का होगा, पर्सनली आप क्या समझते हैं कितनी देर का होगा? 2 से 3 सेकंड है ना, मैक्सिमम 2 सेकंड से 3 सेकंड। तो हमारे पास अभी कितना टाइम आ रहा है, मेरे पास जो आ रहा है 10 सेकंड का आ रहा है। मैं क्या करूँ, कंट्रोल के दबाऊँगा, तो कंट्रोल के दबाने से क्या हो जाएगा कि कंपोजिशन की सेटिंग्स में आ जाएंगे हम, और टाइम स्टार्ट 0। ठीक, सिर्फ ये देखिए ना, यहाँ सब 0 होगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 लिखा होगा, 06, सॉरी 6 कह रहा हूँ, हाँ 3 करना है। इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं कि पोजीशन पे क्लिक अब मैं कर रहा हूँ, तो पहला की फ्रेम जो लगा वो कहाँ पे लगा, बस छोड़ दें आप, अब छोड़ दें आप, बस वीडियो देख लें, वीडियो में कर लीजिएगा आप, करते हैं। ये जो पहला की फ्रेम लगा वो कहाँ लगा, 1 सेकंड पे लगा। ठीक है, अब मार्कर को मैं पीछे लेके गया और यहाँ पे आके इसकी पोजीशन को मैं इसके पीछे लेके गया यहाँ पे। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे होगा और जब 1 सेकंड पे आएगा तो अपनी जगह पे आ जाएगा, बजाय इसके कि मैं इसको उल्टा करके बनाता, ठीक है ना, पहले उधर लेके जाता फिर इधर लेके आता तो पोजीशन आउट हो जाती। इससे बेहतर मैंने ये समझा कि पहला की फ्रेम आगे लगा दिया 1 सेकंड पे जहाँ पे इसको आना था, और पहला वाला की फ्रेम खुद से एनिमेट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमने क्या किया, रेड वाले में देख लीजिएगा, यहाँ पे पोजीशन किया, पी दबाया, की फ्रेम पे क्लिक नहीं कर रहा, 1 सेकंड पे आया, 1 सेकंड पे आने के बाद पोजीशन का पहला की फ्रेम लगाया, यहाँ पे आके पोजीशन को बैठना है इरफान। इसके बाद मार्कर को शुरू में लेके आया और इसकी पोजीशन पीछे मूव करवा दी, ऐसे ही ना। अब क्या होगा, ये दोनों जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं, मगर मैं नहीं चाह रहा कि ये दोनों एक साथ आ जाएं, तो क्या करेंगे कि इसका पहला की फ्रेम जो है, या इसका पहला की फ्रेम कर लें, इसको थोड़ा आगे कर लें, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, इसके की फ्रेम को थोड़ा आगे कर लें, क्या होगा, पहले ये आएगा फिर उसके बाद ये आएगा, ठीक, इस तरह करके, या थोड़ा और आगे कर लें, पहले ये आ जाए फिर उसके बाद यहाँ से एकदम से ये आ जाए, ऐसे कर लें, ठीक है जी। एनिमेशन कुछ भी हो सकती है, यहाँ तक आ गया 1 सेकंड में। इसके बाद ये लोगो है, लोगो को मैं क्या करता हूँ कि पोजीशन की फ्रेम पहले सेकंड पे, स्टार्ट पे ले जाता हूँ, स्टार्ट में भी इसको पीछे ले जाता हूँ यहाँ के, यहाँ से ये क्या होगा कि लोगो भी आ जाएगा। अभी इसकी सेटिंग कर लेंगे, फ़िलहाल जो है वो यहाँ कहीं भेज दिया हमने इसको, सही। इसके बाद ये वाली जो शेफ़ है, ये तो बिल्कुल एंड में यहाँ पे कहीं आएगी ना, जब ये यहाँ पे आगे आ जाएगी एनिमेशन, तब कहीं जाके कुछ होगा, तो हम ये कर लेंगे किसी ओपेसिटी कर लेंगे, या इसको स्केल कर लेंगे, छोटे से बड़ा हो जाएगा, ठीक। ओपेसिटी कर लेते हैं, टी दबाते हैं ओपेसिटी के लिए, और यहाँ पे ये जो है ना फुल ओपेसिटी के साथ होगी। ज़रा सा पीछे लेके जाता हूँ, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी जो है वो 0 कर देते हैं, तो क्या हुआ कि जब ये आके यहाँ पे लगा तो ये ओपेसिटी इसकी ऑन हो गई। अब
एनिमेशन बनाते हैं, चलाते हैं, इसकी क्या एनिमेशन आ गई, इसकी एनिमेशन ये हुई, एक सेकंड में बहुत तेज़ एनिमेशन बनेगी, बस ये यहाँ पे आया और यहाँ पे ये ऑन हो गया। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है वो कहाँ पे, कि इसकी यहाँ पे टाइमिंग लोगो जो है ना थोड़ा पहले आ रहा है ना, लोगों को मुझे थोड़ा देर से लाने के लिए मैं ये करूँ कि लोगो वाले लेयर के स्टार्ट वाले की फ्रेम की पोजिशन में पहुँचता हूँ और इसको और पीछे कर देता हूँ, शिफ्ट और राइट एरो, तकरीबन ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है, एनीवे उसका भी देख लेंगे, ये ठीक है। इसके बाद लोगों में हम एक काम और कर रहे हैं कि पोजीशन के साथ साथ रोटेशन भी कर रहे हैं, किस तरह, शिफ्ट आर, ठीक है ना। तो पोजीशन रोटेशन दोनों आ गई, पहला की फ्रेम लगाया कहाँ पे, जहाँ पे एनिमेशन ख़त्म हो रही है, सीधा आ जाए वहाँ पे। और स्टार्टिंग में इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया हमने वन रेवोल्यूशन, इधर लिखा है ना वन, इधर लिखने से क्या होता है, एक चक्कर, वन रेवोल्यूशन। अब क्या हो रहा है, यहाँ से रोटेट होता हुआ आएगा, पोजीशन से मूव होगा, उप्स, अभी ये क्या हो रहा है, पूरे ज़माने का चक्कर इसलिए लगा रहा है कि इसका सेंटर पॉइंट जो है ना वो कहाँ रखा हुआ है, यहाँ सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है। ये स्टार्ट में मैंने नोट नहीं किया था, खैर हम क्या करेंगे कि इसको ये वाला टूल यूज़ करेंगे, पैन बिहाइंड टूल, और इसका सेंटर पॉइंट जो है वो यहाँ पे रख देंगे। एक मिनट ज़रा मैं इसको ठीक कर लूँ, लोगो की पोजीशन, ये अपनी जगह पे मूव हो रहा है, मैं इसके साथ साथ पोजीशन की फ्रेम भी लगा देता हूँ और इसको आप पीछे भेज देते हैं। ग्रीन वाले की एनिमेशन सही हो गई, ये रेड वाले की हो गई, और यहाँ पे ये रोटेट होता हुआ आ जाएगा। इसको हमें थोड़ा सा शायद और स्पिन करवाना पड़ेगा, शायद एक के बजाय हम इसको दो रेवोल्यूशन दे दें तो शायद कुछ बेहतर लुक आ जाए। ये भी क्या है, ये स्टार्टिंग एनिमेशन है, ठीक है, बोलिए, देखिए ये स्टार्टिंग एनिमेशन है। इसके बाद क्या होगा, ये एक सेकंड पूरा स्टिल यहीं पे रहेगा, यानी कि ये कहाँ तक रहेगा, मैं इसको आ जाऊँगा कहाँ पे, दो सेकंड पे आ जाऊँगा, एक मिनट, एक सेकंड, अब आ जाऊँगा कहाँ पे, दो सेकंड पे, दो सेकंड तक ये सब ऐसे ही रहे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ज़रा, दो सेकंड तक ये सब ऐसे ही रहे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सब पे की फ्रेम लगाना पड़ेगा। कैसे, एक इसी वैल्यू का की फ्रेम यहाँ पे लगेगा, ये किसकी है, ये शेफ की ओपेसिटी है, यहाँ पे क्लिक किया एक की फ्रेम लग गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ओपेसिटी कितनी रहेगी, सेम रहेगी। पोजिशन पे चेक लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे, यहाँ पे, इन सब पे क्या हुआ, इस सब की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसके बाद ये सारी एनिमेशन आपको जो है दोबारा से करनी पड़ेगी, किस तरह, जब यहाँ से जाए भी तो वापस ना,
तो एक एक करके करते हैं। अभी बताया नहीं ना पहली क्लास में। तो यहाँ से वापस करेंगे किस तरह, 3 सेकंड पे आ गए, 2 सेकंड पे आ गए ना यहाँ पे, अब आ जाएंगे 3 सेकंड पे, और 3 सेकंड पे आके ग्रीन वाली लाइन की पोजीशन कहाँ पे थी, ये थी ना, यहाँ पे थी पोजीशन। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नहीं ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, ग्रीन वाली लाइन सेलेक्ट करें, उसको वापस भेज दें पीछे, ऐसे ही होगा ना भाई, वापस तो जाना है उसको। और इसकी ओपेसिटी 0 कर दी, शिफ्ट दबा के एरो, फोटोशॉप में इतना टाइम लगाया आपने इतने बेसिक सी एनिमेशन बनाने के लिए। हाँ इसको सही कर लेते हैं भाई, सही कर लो, सबर। ठीक है, थोड़ी सी भी फिनिशिंग और रिक्वायर्ड है, अदरवाइज़ जो है वो ठीक है। यहाँ तक आया, नाम लिखा हुआ आया और उसके बाद चला गया। इस पे फिर इंशाल्लाह हम ईजिंग ईज आउट लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसी मज़ीद और काम करें।